कहां अपना सर मारूं दीवार पे कि सिद्धार्थ शुक्ला भाई मतलब कि मेरे लिए भाई थे। सिद्धार्थ भाई मुझे हमेशा ही बोलते थे, मयूर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, समझ से बाहर हो गए, लोग पागल हो चुके कि बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ये वाकई में सच हुआ। आप हमारी और आपकी ये हालत है तो जाना चाहेंगे सेना, आपने बात की होगी सेना, शहनाज जस्ट अभी सिद्धार्थ शहनाज से बहुत ही प्यार करते थे, कहता है यार मयूर वेट आने दे, पूरी दुनिया देखेगी हमारी शादी। वो मेरी गाड़ी के पल मुझे याद आ रहे हैं जो वो मेरी गाड़ी में बैठा करते थे, मैं उनको बोलता था आप गाड़ी चलाओ बट वो गाड़ी नहीं चलाते थे। हाय मयूर, कैसे हैं आप? आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको देखने मिल रहा है, कैसे हैं आप? पहले जानना चाहेंगे आपसे। ठीक हूँ बट आज का जो दिन है वो आज का दिन अच्छा नहीं है बिल्कुल। सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ अपना सर मारूं दीवार पे कि जो आज ना मतलब अभी मेरी हार्ट बीट बहुत हाई पे है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं। सिद्धार्थ शुक्ला भाई मतलब कि मेरे लिए भाई थे। मुझे आज भी वही पुराने वक्त याद आ रहा है जब लॉकडाउन के अंदर हम जाया करते थे मार्केट में, वहाँ से हम ग्रॉसरी का सामान लेके आते थे, खाने पीने का सामान लेके आते थे, वो फ़ोन मारते थे भाई कहाँ पे आओ चलो, मैं शहबाज सिद्धार्थ भाई जाते थे ग्रॉसरी का सामान लेते थे, फिर उसके हम गाड़ी के अंदर गाने सुनते थे, बहुत मस्ती करते थे। और सिद्धार्थ भाई मुझे हमेशा ही बोलते थे मयूर तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बस वेट करना, कभी हार मत मानना, क्योंकि सिद्धार्थ भाई ने बहुत स्ट्रगल किया, वो आज ऐसे मुकाम में पहुंच चुके थे कि अब उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, वो जो चीज पे हाथ रख रहे थे वो सोना बनती जा रही थी, बट सडनली आज जो न्यूज आई कि उनको अटैक आया, हार्ट अटैक, मतलब कि सुबह से मैं और शहबाज फोन पे रो रहे थे, हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं, मतलब कि यार मुझसे अपने भाई से ज्यादा मानता था, वो मुझे हर चीज बताना, मुझे हर चीज में गाइड करना, जब MSK में भी गया मुझे बैक स्टेज में समझाया मयूर ये बिग बॉस टाइप शो है तुझे ऐसे करना है वो करना है, मतलब कि उस चीजें जहन से जा ही नहीं पा रही, और वो दुनिया के लिए पूरे दुनिया पूरे फैन लोग उनके लिए पागल है। मैं आज भी फोटो डाला है, कमेंट नीचे देख रहा हूँ, लोग बोल रहे हम समझ से बाहर हो गए, लोग पागल हो चुके कि बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि ये वाकई में सच हुआ, और एक 40 साल की उम्र यार कुछ नहीं है, और यार अभी फिट एंड फाइन, मेरे जिम के अंदर आते थे, हमने साथ वर्कआउट किया यार, मैं बोलता था भाई ये मारना नहीं नहीं आज ये मारना, इतना यार फिट आदमी, और मेरे को तो अभी तक हजम नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरे लिए तो यार वो मेरी जान, मुझे इतना मोटिवेट करना कि मयूर ऐसे होगा, वही लॉकडाउन के सारे दिन याद, हम हफ्ते के अंदर 3 से 4 दिन मिलते ही मिलते थे, वो बोर हो रहे थे हाँ मयूर कहाँ पे आजा घर के नीचे, मतलब कि हमेशा खुश रहने वाला इंसान यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब कि हमारे लिए नहीं पूरी वर्ल्ड के लिए इस वक्त झटका। एक्चुअली यस, हम जब हमने ये सुना सुबह हमें भी खुद यकीन नहीं हुआ ये हो चुका है, मतलब क्या क्या बोले अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो मतलब आपसे जानना चाहेंगे जब आपने सुना कि मतलब कल तक अच्छे थे पूरे ठीक थे पूरे सब सही था, अचानक से जो हुआ, मतलब आप यकीन कर पाए इस बात पे, क्या था रिएक्शन मतलब आपका? मैं बार बार गूगल पे सर्च कर रहा था सिद्धार्थ शुक्ला, कोई न्यूज नहीं आई है, मैं कहा सब फेक है, अभी तक किसी ने नहीं डाला इसका मतलब फेक है, ये कोई ब्लफ हो रहा है, मैं नहीं मान रहा था, मैं बार बार अलग अलग फोन से देख रहा था, बट सडनली जब मेरी शहबाज से बात हुई, मैं कहा शहबाज कहाँ, शहबाज आई थिंक सो रहा था पंजाब में, मैं कहा एक मेरे को न्यूज सुनने में आई है वो ठीक नहीं है, वो आई थिंक सो कहीं है इस वक्त हॉस्पिटल में, तो कहता 2 मिनट चेक करता हूँ, उसने मेरा फोन नहीं किया, मैंने उसको किया, फिर शहबाज ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया और कहता हार्ट अटैक आ गया, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, मैं सडनली मेरे हाथ वाइब्रेट, अभी भी मैं हाफ के बात कर रहा हूँ बिकॉज मेरी हार्ट बीट इस वक्त बहुत अप पे चल रही है, मुझे नहीं मालूम, और अभी इस वक्त मैं मुंबई में भी नहीं हूँ कि मैं घर पे पहुँच जाऊँ, मैं इस वक्त हिमाचल में आया हूँ, सडनली मतलब कि वो अपनी हर एक दिल की बात मेरे से शेयर करता था इंसान, हर एक दिल की बात, इतना मेरे क्लोज आ चुका था लॉकडाउन में कि हर एक चीज बोलता था, अभी तक बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया अभी समझ नहीं आ रहा मुझे, इतना अच्छा इंसान, फिट एंड फाइन, जिम करने वाला, कोई चीज की उसको आदत थी फिर भी ऐसे।
आप हमारी और आपकी ये हालत है, तो जानना चाहेंगे सेना, आपने बात की होगी सेना, शहनाज जस्ट अभी शायद उनके घर पहुंची है। शहनाज तो आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि शहनाज को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चलो हम तो उसके फ्रेंड थे सिद्धार्थ के, शहबाज के, बट शहनाज तो उसके इतने क्लोज थी, बिग बॉस में सबने उनकी मोमेंट्स देख ली है। हैशटैग था शहनाज का, शहनाज तो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल होगी, उसको भी लग रहा है कि ये सच नहीं है, बट अब क्या करे, जो सारी दुनिया में फैल चुका है, जो चीज हो चुकी है वो वापिस नहीं आ सकती। और सिद्धार्थ शहनाज से बहुत ही प्यार करते थे, हम कई बार गाड़ी चला रहे हो ना, मैंने बोला भाई कब शादी कर रहे हो यार, कर लो यार, खत्म करो, क्या आप ऐसे कर रहे हो, कहता है यार मयूर वेट आने दे, पूरी दुनिया देखेगी हमारी शादी। हमेशा वो मेरे को हर एक चीज बोलता था, कहता बोलना नहीं वहां पे जाके कि मैंने कुछ बोला, क्योंकि सिद्धार्थ भाई हमेशा अपने दिल में बात रखते, कभी सामने उन्होंने नहीं बोला, फिर मैं जाके कभी भी नहीं बोलता था, फिर भी मैं शहनाज को बोलता था तो टेंशन मत लिया कर, सिद्धार्थ भाई तेरे साथ है, बहुत ही जल्द तुझे खुशखबरी मिलेगी। उसको जब मैं ये चीजें बोलता था वो खुश हो जाती थी शहनाज, क्योंकि शहनाज मेरे बहुत ही क्लोज है, शहबाज मेरे क्लोज है, क्योंकि हम सारा बैठ के डिनर करना, लंच करना, हम साथ ही रहते थे। बट सडनली अभी शहनाज मैं हूँ भी नहीं वहाँ पे, कि मैं होता वहाँ पे तो मैं शहनाज को पूरे उसके साथ रहता, बट मैं सडनली हिमाचल में आया हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे बहुत ही इस बात का अफसोस है। आप ले जानना चाहेंगे, आप मतलब काफी ज्यादा मेमोरीज आपके साथ भी थी, काफी क्लोज फ्रेंड थे आप, मतलब काफी समय गुजारा आपने सिद्धार्थ के साथ, कौन सी चीजें जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? देखिए सिद्धार्थ भाई का जब फोन करना, हेलो किधर है, मैं कहा जी भाई बोलिए, चला आजा फटाफट आ जा भाई, हमें सामान लेने जाना है। मैं यू कांट बिलीव, मैं निकर डाली होती थी, फटाफट टी शर्ट डाल के भाई का फोन आया, मैं भागा जाता था, मैं उनके घर के बाहर विद इन 3 मिनट में पहुंच जाता था, क्योंकि हमारा घर बाजू बाजू में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर की दूरी पे। बैठ जाना उसने गाड़ी पे, चल भाई गाने चला, ये कर, चल भाई यहाँ से ये ले ले, भाई यहाँ से ये ले ले। अरे मैं कह सिद्धार्थ भाई आप थोड़ी सब्जी लेने जाओगे, मैं जाता हूँ वेट कर। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कहा आप गाड़ी में बैठो। उनका जो अंदर से ओरा, उनकी बातें, मतलब कि मेरे को अभी तक वो चीजें घूम रही है, जो उन्होंने MSK के अंदर जब फर्स्ट डे के अंदर शहनाज को बोला, नहीं मयूर को मौका दे, नहीं ये अच्छा इंसान है, वो सब चीजें अब मेरे घूम रही है। वो मेरी गाड़ी के पल मुझे याद आ रहे हैं, जो वो मेरी गाड़ी में बैठा करते थे, मैं उनको बोलता था आप गाड़ी चलाओ, बट वो गाड़ी नहीं चलाते, वो मेरे बाजू वाली कुर्सी पे बैठ जाना, कहते थे ये ले कोल्ड ड्रिंक पिया तू, मैं कह नहीं भाई आप गाड़ी चलाओ मैं बैठता हूँ। तो वो जो पल है वो वापिस अब कभी नहीं आएंगे, वो बस एक मेमोरीज रह गए, वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा, जो हमने उनके साथ वो पल बिताए हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मैंने उनके साथ वो पल बिताए, उन्होंने मुझे अपने भाई का दर्जा दिया, बहुत अच्छी चीजें हैं वो, जो पल है वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। मैं तो बस अभी भी मेरे बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी मैं क्या कर पाऊँ, कुछ शब्द है ही नहीं। सारी दुनिया इस वक्त उदास है, मैं TV देख रहा हूँ इस वक्त, यहाँ से पूरी दुनिया उनके घर के बाहर, बहुत ही बड़ा झटका है, बहुत ही बड़ा झटका है, मतलब कि उसकी फैमिली, उनकी मॉम, उनकी सिस्टर इस वक्त कैसे वो झेल रहे होंगे चीजों को, कैसे वो अपने बेटे को देख रहे होंगे उस टाइम, बहुत टफ है, बहुत टफ है। हमसे नहीं झेला जा रहा है, जो हमने इतना टाइम स्पेंड किया वो तो सारी उम्र अपनी फैमिली के साथ रही, शहनाज अभी कैसे अपने आप को मैनेज कर रही होगी समझ नहीं आ रहा। अभी मैंने शहबाज अभी बॉम्बे आ रहा है, तो अभी उसको सहारा मिलेगा शहनाज को, उसकी फैमिली को। अभी सिद्धार्थ ने सबके दिल में अपनी जगह बना ली थी, मतलब सबके दिल में बस गए थे, मतलब हमेशा याद रहेंगे, मतलब सिद्धार्थ ऐसे थे कोई भूल नहीं पाएगा कभी सिद्धार्थ को, एंड फैन फॉलोइंग तो काफी, मतलब पूरी दुनिया मतलब अब सिद्धार्थ के लिए रो रही है। मैं सिद्धार्थ से हमेशा बोलता था, मैं कह भाई बोलिए, नहीं बोली ना, मैं हमेशा सिद्धार्थ भाई को एक चीज बोलता हूँ, मैं कह भाई आपका हैशटैग इतना फेमस है ना कि सारी दुनिया देखती है, मतलब कि अगर उनके लिए उस टाइम कोई फाइट भी करने आता था ना, उनके हैशटैग के लिए या उनके गाने के लिए भी कोई कुछ बोलता था, मैं उस टाइम वीडियो बना देता था कि शहनाज और सिद्धार्थ की जोड़ी के बारे में कोई भी बोलेगा, वो बोले या ना बोले, बट उनके पीछे उनका भाई खड़ा,